हेलो वेलकम यू बैक इन दिस फिजिक्स वीडियो इन टूडेस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न ऑफ अबाउट इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड दैट इलेक्ट्रिकल पावर ओके सो लेट इज यू स्टार्ट ओवर हेयर वट इज मीन्ट बाई दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास सिंपल टू ओवर देयर कि जो वर्क डन होता है बाय द सोर्स टू मेंटेन द करंट इन है इलेक्ट्रिकल सर्किट ठीक है तो हमारे पास सिंपल सी बात होती है ना जब भी हमें एनर्जी फाइंड आउट करनी है सो व्हाट वी आर डूइंग ओवर देयर वी आर फाइंडिंग दैट वर्क डन ठीक है सो देयर आम हैविंग दिस सेल विच आई हैव यूज एंड इट इज़ मेंटेनिंग ओवर देयर दिस वी पोटेंशियल डिफरेंस एंड व्हेन वी आर नोन ओवर देयर जब वायर के दो एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा सो ड्यू टू ऑफ दिस व्हाट विल हैपन द चार्ज विल स्टार्ट टू फ्लो ठीक है तो ये जो चार्ज है हमारे पास ये क्या करेगा इस पॉजिटिव टर्मिनल से मूव करता है एंड इट विल कम टू दैट नेगेटिव टर्मिनल थ्रू द रजिस्टर इट विल पास ठीक है तो इस तरह से ये जो चार्ज है ये क्या करेगा वहाँ पर फ्लो करेगा ठीक है सो नाउ हाउ मच इज़ द वर्क डन इन मूविंग दिस चार्ज बाय दिस पोटेंशियल डिफरेंस सो वी आर राइटिंग ओवर हेयर दैट दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग द चार्ज ठीक है तो चार्ज कितना था क्यू और उसको मूव करने के लिए कितना वर्क डन किया गया इट दिस वर्क डन विल बिकम हाउ मच पोटेंशियल डिफरेंस एंड हाउ मच दिस चार्ज यू आर गोइंग टू मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव ठीक है नो ओवर हेयर एज वी आर नोन विथ दिस थिंग एज वेल की जो हमारे पास जब ये जो रजिस्टर है ठीक है इसमें से जब चार्ज फ्लो करता है तो उस चार्ज फ्लो होने की वजह से क्या बनता है करंट बनता है ठीक है तो इसलिए हमारे पास जो आई करंट है वो उस रजिस्टर आर से पास कर रहा है ठीक है सो हाउ मच विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ दिस रजिस्टर इस रजिस्टर के दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या बन गया दैट इट इज़ आई इंटू आर इट विल बी ओवर देयर आई इं टू आर सो दस आई विल हैव दिस वन ओवर हेयर दैट ऑफ एंड हाउ मच इज दैट दैट ऑफ करंट ठीक है तो जो हमारे पास चार्ज है वो क्या करता है यहाँ पर फ्लो uh, करेगा तो उसकी वजह से क्या बन जाता है करंट बन जाता है ठीक है सो दस चार्ज इज इक्वल टू करंट इन टू दैट अ टाइम फॉर विच इट इज इक्वल टू फ्लो सो दस आई विल हैव इट इज ओवर हिर वी आई टी दिस इज वट दिस इज वर्क डन तो दिस वर्क डन इट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ठीक है तो ये जो वर्कडन हमारे पास है ये किसकी फॉर्म में होता है ये उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में होता है ठीक है एंड वी आर गोइंग टू नोट इड डाउन विथ दिस ई और ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है दिस इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज कंज्यूम्ड इन द सर्किट इन द फॉर्म ऑफ हीट ठीक है Uh, तो ये हमारे पास सर्किट uh, में जो है इन द फॉर्म ऑफ हीट जो है वो कंज्यूम होती है इन द सर्किट इन फॉर्म ऑफ हीट ठीक है सो ओवर हेयर वी कैन आल्सो राइट अदर फार्मूलाज फॉर दिस एनर्जी सो हेयर इट इज रिटर्न एज वी आई टी ओके सो हाउ वी राइट दिस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल इट इज आई आर सो एंड वी कैन आल्सो मेक इट देन इट इज आई आर इन आई टी सो दस इट इज i square rt okay this is another formula so this is that energy electrical energy consumed okay so this is going to appear in the form of heat so this uh, heat is also a form of uh, uh, energy okay so this is equal to heat so it is h okay so thus we get over here that h equal to i square rt this is what this is joule's heating law this is said to be Joule's heating law. Okay. So what is Joule's heating law? So Joules uh, have told us that when a current will pass through any wire, so uh, there is heat produced, and due to of this heat, there is the losses of electrical energy, and how much heat is produced in the wire. So this is uh, uh, said by Joule that it is directly proportional to the square of the current, and this is directly proportional to that resistance of the wire. More is the resistance, more is the heat produced. More is the current passing through the wire, more is the heat produced. ठीक है जैसे एक पतली सी वायर से आप एकदम से लार्ज करंट पास करोगे वो मेल्ट हो जाती है ठीक है तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है और हमारे पास अगर वायर का रजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा ठीक है तो उसमें क्या हो जाएगा बहुत वो up हो जाती है सिमिलरली ओवर there, दिस हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस टाइम फॉर विच करंट इज फ्लोइंग थ्रू दैट डिवाइस तो जितनी देर के लिए जैसे हीटर है हीटर में जितनी देर के लिए करंट पास करेगा तो उसमें उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है ओके सो दस वी गेट ओवर देयर दिस हीट इज वट इक्वल्स टू आई स्क्वेयर आर टी और इन अदर फॉर्म दैट वी आर गेटिंग द फॉर्मूलाज एज वेल तो हीट आपके पास आई स्क्वेयर आर टी वी फार्मूला बनता है या फिर आई जो है वो क्या बन जाएगा वी वाई आर दैट वी आर गोइंग टू नोट इट डाउन सो देन इट इज वी वाई आर का स्क्वेयर इंटू आर टी सो दिस इज दैट ऑफ वी स्क्र इसकी पावर जो है इससे कट होगी सो इट इज़ वी स्क्वेयर वाई आर टी ओके दिस इज आल्सो द फार्मूला फॉर दैट हीट ओके this is also the formula of heat this is also that how much heat has produced okay uh, so thus we come to know that what is electrical energy so what is electrical energy the work done in uh, that uh, maintaining the current in an electrical circuit work done in maintaining the current in electrical circuit

ठीक है सो दिस इज गिवन एज दैट वर्क अपॉन माई टाइम ओके नो एज वी आर नोन ओवर देयर जब भी वर्क डन किया जाता है तो क्या होता है एनर्जी कंज्यूम होती है तो इसका मतलब uh, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है विच इज कंज्यूम्ड इट इज गिवन बाई ई सो इट बिकम्स देन ई बाई टी ठीक है हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाई इन दैट डिवाइस विच इज़ हैविंग इट्स पावर पी सो वी कैन गेट दैस इज इज एज पी इन टू टी ठीक है दिस इज द फार्मूला ऑफ कंज़प्शन एनर्जी कंजप्शन बाय द इलेक्ट्रिकल डिवाइस एनर्जी कंज़प्शन तो जो हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो है वो कितनी एनर्जी कंजप्शन करता है सो दिस यू कैन कैलकुलेट मच एम द पावर एंड फॉर बट टाइम इट इज़ गोइंग टू वर्क फॉर एग्जाम्पल दैट आई एम हैविंग हंड्रेड वोट ऑफ द बल्ब इट इज़ गोइंग टू वर्क फॉर दैट ऑफ फाइव आवर okay so much is energy consumed so then simply it is over there 100 into 5 so it is 500 watt hour okay now here this energy consumption so special board of trade has given its unit this is what bot it is board of trade okay तो हमारे पास जो बोर्ड ऑफ ट्रेड है वो क्या करता है इसके लिए स्पेशल यूनिट जो है एनर्जी कंजप्शन के लिए यूज़ करता है ठीक है इवन दो वो भी जूल्स के अंदर ही कन्वर्ट की जा सकती है बट स्टिल टू डिफ्रेंशिएटेड विद द अदर दैट एनर्जी दे आर गोइंग टू मेक इट्स डिफरेंट यूनिट ठीक है सो दे सेट दैट वेन एवर यू हैव टू मैजर दिस एनर्जी कंजप्शन सो यू शुड टू मैजर इट इन किलो वाट आवर ठीक है जब भी मेजर करना है एनर्जी कंजप्शन उसको किलो वाट आवर में मेजर करना सो यू विल हैव ओवर देर व्हाट इज़ मिनट बाई वन किलो वाट आवर तो एक किलो वाट आवर को क्या बोला गया सो इट इज़ हेड टू बी वन यूनिट ठीक है एक किलो वाट आवर क्या बनगी एक यूनिट एंड देर आफ्टर दे हैव फिक्स द रेट ऑफ दिस वन यूनिट तो इसलिए यूनिट का वो रेट फिक्स कर देते हैं जैसे फाइव रुपीज ऑफ दिस वन यूनिट ठीक है या फिर हमारे पास जो सिक्स रुपीज़ या सेवन रुपीज़ सो इट इज़ गोइंग टू डिपेंड ऑन द स्टेट बाय स्टेट ठीक है तो इसलिए हमारे पास जो वन यूनिट है वो एक किलो वाटा आवर को कहते हैं नो ओवर हेयर इफ़ वी आर लुकिंग दैट हाउ मच इज दिस एनर्जी सो वी विल फाइंड दैट दिस एनर्जी इज इक्वल टू जो कंज्यूम की गई कितनी किलो वाटा आवर है सो so, किलो में इसको कन्वर्ट करना है तो थाउजेंड से डिवाइड करना पड़ेगा सो वी विल गेट इट इज़ पॉइंट फाइव किलो वाट आवर दिस इज़ द एनर्जी कंजप्शन ठीक है तो हमारे पास uh, क्या बन गया ये पॉइंट फाइव यूनिट जो है उन्होंने एनर्जी कंज्यूम की तो जो मंथली बिल होता है वो इस यूनिट कितने यूनिट आपने बर्न किए हैं उसके अकॉर्डिंगली uh, आता है ठीक है तो एक यूनिट जो है वो गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है जो फिक्स किया होता है स्टेट गवर्नमेंट का ठीक है सो अकॉर्डिंगली टू दैट यू हैव टू पे योर इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर एग्जांपल इफ वी आर सींग ओवर है दैट वन यूनिट कॉस्ट इज ऑफ फाइव रुपी ठीक है इफ़ वन यूनिट इज ऑफ फाइव रुपी सो दैन हाउ मच इज़ योर इलेक्ट्रिसिटी बिल तो आपका बिल क्या बन जाएगा सो यू विल गेट ओवर देर दिस इज हाउ मच यूनिट यू हैव अर्न इट इज़ पॉइंट फाइव यूनिट है ठीक है तो ये अगर हमारे पास बात आती है इट इज ऑफ इच डे अगर हर दिन आप पॉइंट फाइव यूनिट वर्न करते हो सो ऑफ अ मंथ कितना हो जाएगा तो मंथ के हमारे पास जो यूनिट है वो कितना हो जाएगा मंथ में आपने कितने यूनिट वर्ण किए तो इन अ मंथ यू विल गेट अगर उसमें थर्टी डेज होते हैं तो थर्टी इन पॉइंट फाइव ठीक है सो यू विल गेट ओवर देयर वन फाइव इट इज़ दैट ऑफ फिफ्टीन किलोवाट आवर तो इतने यूनिट आप एक मंथ में वर्ण करते हो उस मंथ में जिसमें थर्टी डेज होंगे ठीक है एंड ओवर हियर हाउ मच इज द कॉस्ट यू हैव टू पे तो आपके पास उस वक्त कितना कॉस्ट हो जाएगा सो सिंपली कि हमारे पास जो बिल होगा इलेक्ट्रिसिटी बिल दिस विल बी इक्वल टू फिफ्टीन इंटू एक यूनिट की कॉस्ट फाइव रुपीज़ थी सो इट इज ऑफ सेवेंटी फाइव रुपी ठीक है सो दिस इज ओवर देयर योर इलेक्ट्रिसिटी बिल ठीक है सो हेयर वी आर लुकिंग दैट ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल पा पावर है हाउ डू वी डिफाइन इट इट इज रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क ठीक है सो इट इज़ पी इक्वल टू डब्ल्यू बाई

तो इसलिए कैपिटल डब्ल्यू इट इज ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट एंड वी गेट दैट इट इज वॉट ओके तो इसलिए इलेक्ट्रिकल पावर को वॉट में मेजर किया जाता है नो इन दिस सिचुएशन वी हैव दिस पावर फार्मूला देन p इज इक्वल टू दैट ऑफ e t दिस इज द फार्मूला ऑफ पावर एंड दिस हाउ मच इज एनर्जी कंजप्शन so already we have uh, determined this uh, electrical energy so electrical energy it is given as V i t upon my t so this is going to cancel then power will be V into i okay this is the power of the device okay so how much uh, is that power of the device so it is how much is that uh, uh, voltage on which it is going to work and how much is that current it is going to uh, withdraw from that uh, source so therefore it is power and we can also over here uh, that if R is the resistance of that device, so therefore, this potential difference can be written as uh, VIR. Okay, so thus we can have uh, this power is equal to uh, IR into I, so it is I square R. This is another formula which we can take over here, or either this uh, I, how much is that current which is uh, passing through this device, so you can have this is. Over here Vyi. Sorry, VYR. So now this power you can uh, make it as V square Y R. Okay, this is over there that. So that's we come to know over here that how to have the power calculation. So uh, if uh, this how much voltage is going to supply for this one and how much the current it will draw so then you can use this formula if current and its resistance is given then you will use this formula and uh, if uh, over there voltage and that resistance uh, is given then you can use this formula for calculation of its uh, power now the next thing over here <coughs> uh, regarding to this um, power it is power rating व्हाट इज द पावर रेटिंग ठीक है तो पावर रेटिंग हमारे पास क्या होता है वेन एवर वी आर गोइंग टू परचेज एनी डिवाइस सो ऑन इट इट इज़ रिटर्न हाउ मच इट्स पावर एंड एट वट वोल्टेज इट इज़ गोइंग टू वर्क ठीक है तो जो सेफ्टी वोल्टेज होती है जिसके ऊपर वो काम कर सकता है और uh, उसकी पावर जो है उसके ऊपर मैंशन होती है ठीक है सो दिस इज सेट टू बी पावर रेटिंग ठीक है

दैट इट इज पी वाई वी ठीक है तो पावर रेटिंग अगर आपको गीवन है तो आप क्या कर सकते हो उस डिवाइस का रजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो रजिस्टेंस ऑफ डिवाइस यू कैन डिटरमाइन इट एंड सेकेंड थिंग यू कैन फाइंड आउट ओवर देयर द करंट विच इट विल विदड्रॉ ठीक है द ड्रॉन बाई डिवाइस तो ये कितना करंट जो है वो ड्रॉ करेगा ठीक है सो दिन भी कैलकुलेटेड ओवर देयर सो दिस इज दैट रिगार्डिंग टू द पावर नो लेटेस्ट लुक ओवर है जो हमारे पास एनर्जी कंजप्शन है वो किलो वाट आवर में दी जाती है एनर्जी कंजप्शन ठीक है वो किलो वाट आवर में मेजर की जाती है सो हाउ इट इज़ रिलेटेड विद डेट अ जूल तो जूल से ये कैसे रिलेटेड है सो so, ओवर देयर किलो को आप कन्वर्ट करोगे तो ये थाउजेंड में बदल जाता है एंड वाट इज सिंपली टू से ओवर देयर जूल पर सेकेंड इन टू Hour means thirty-six hundred seconds. Second, second, second. Cut. jata two, three, four, five. There are five zeros. So ten into five. This is in joule. And uh, if you want to make it more shorter, then I am going to put a decimal, uh, just one digit before. So therefore, I have to increase one in its power. Thus, I am having over here. This is energy. Uh, sorry, uh, this is one kilowatt hour so how much is that one kilowatt hour in june it is 3.6 into 10 power 6 okay so thank you for watching the video